हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक गॉस लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि गॉस लॉ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो हमने ये पढ़ लिया था फाई जो होता है फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q inside of the Gaussian surface upon E upon epsilon naught, ये हमने पढ़ लिया था। अब बात आती है कि Gaussian surface क्या बात कर रहे हैं हम, जो भी Gaussian surface बार बार बोल रहे हैं, तो what is Gaussian surface? ये तो हमने कर लिया, इसको जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला है वो हमने समझ लिया, लेकिन Gaussian surface होता क्या है, गॉस ने क्या कहा था इसके बारे में वो समझते हैं। चलिए, तो Gaussian surface क्या होते हैं अगर हम बात करें, तो गॉसियन सरफेस इज अ आर्बिट्री सरफेस। जो गॉसियन सरफेस होता है इट इज एन आर्बिट्री सरफेस, मतलब ये एक्चुअली में कोई 3D सरफेस नहीं होता है। ये क्या होता है, ये आर्बिट्री, मतलब हमने एज्यूम किया जाता है इमेजिनरी सरफेस होता है। इस सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट द सरफेस इज सिमेट्रिक, द सरफेस इज सिमेट्रिक अराउंड द चार्ज। तो जो आपका जो सरफेस है वो क्या है, सिमेट्रिक है अराउंड द चार्ज। जैसे कोई चार्ज है तो उससे वो क्या हो गया, ये पॉइंट चार्ज है हमारा, तो इससे क्या हुआ, हर जगह से क्या हो गया, वो एक सिमेट्रिक सरफेस बनेगा। ठीक है, तो हमें ट्राई करना है कि वो सिमेट्रिक रहे, पहली चीज ये होनी चाहिए प्रॉपर्टी गॉस लॉ की फर्स्ट। सेकंड बात जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ गॉसियन सरफेस इज सेम, इज सेम। ये क्या है, सारी की सारी क्या रहेंगी, गॉसियन सरफेस में सेम रहेंगी। ठीक है, थर्ड मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट पे ट्राई किया जाता है सेम रहे, मतलब जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे है उतने वही सेम यहां पे दूसरी जगह हो, इस जगह पे हो, तो इस जगह हर जगह पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। थर्ड चीज, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया शुड बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, या शुड बी सेम थ्रू आउट, शुड बी सेम होना चाहिए हर जगह पे, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसे, मतलब अगर यहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एक दूसरे के 0 डिग्री का एंगल है तो 0 डिग्री होना चाहिए, अगर कोई इधर भी तो इधर भी क्या होना चाहिए, अगर इस कॉर्नर में ऐसा है तो इस कॉर्नर में भी सेम एंगल होना चाहिए, तभी हमारा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, गॉसियन सरफेस। तो ये तीन चीजें तो हो गई। फोर्थ जो चीज थी गॉसियन सरफेस के लिए वो क्या है, अ गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू अ चार्ज। जो गॉसियन सरफेस हम लेंगे वो चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं कि वो चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, 3D ऑब्जेक्ट पास हो सकता है लेकिन जो गॉसियन सरफेस है उस सरफेस पे कोई भी ऐसा चार्ज नहीं होना चाहिए। यहां पर कोई चार्ज हो गया तो यहां पर गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी फोर प्रॉपर्टीज हैं एक गॉसियन सरफेस की। पहली, सरफेस क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये कहा जाता है कि इस चार्ज से वो हर जगह पे दूरी सेम होनी चाहिए, तब उसको हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए, ये रखा जाता है। थर्ड, एंगल जो होना चाहिए विद द सरफेस
एरिया वो क्या होना चाहिए, कॉस्ट एरिया सेम रहना चाहिए। एंड इसी तरीके से जो गॉसियन सरफेस है वो कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी चार्ज से पास नहीं होगा, किसी भी चार्ज से पास नहीं होगा। तो ये चार कंडीशन हमें ध्यान में रखनी होती है, इस ये वजह से हम क्या करते हैं, तभी हम गॉस लॉ लगाते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशंस होने की वजह से ही क्या होता है, गॉस लॉ को हम गॉस लॉ हमारे लिए यूजफुल नहीं रह जाता काफी टाइम बाद। काफी टाइम में क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, एब्रप्ट आंसर, मतलब हमें गॉस लॉ को हम यूज नहीं कर पाते इन चारों कंडीशन की वजह से, कि हमने हर बार आपको प्रॉपर ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी, कि सरफेस नहीं मिलेगा कि आप प्रॉपर गॉस लॉ बना पाए, समझ आ रहे हो। लेकिन इसको भी हम यूज करेंगे, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं के पॉइंट्स को हम कंसिडर में लेंगे। चलिए, तो समझ आ गया हमें गॉसियन सरफेस क्या होता है। हमें ये तो पता था कि गॉस लॉ नहीं, गॉस लॉ ये है ये तो हमें पता है, लेकिन गॉसियन सरफेस, जब गॉस लॉ के लिए अगर हमें सरफेस बताया गया वो गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस ये चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, समझ आया होगा। चलिए अब आगे क्या है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज दिया जाए, कोई चार्ज दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इस कोई और दूसरा एक सरफेस दे दिया जाए, हमें पूछा जाए कि फ्लक्स कितना पास हो रहा है उस सरफेस से, तो कैसे करेंगे। चलिए इसको करते हैं, अब क्वेश्चंस कैसे हैं हमारे पास कि सपोज करिए एक चार्ज दे दिया जाए हमें प्लस क्यू, और हमें क्या एक सरफेस दे दिया जाए, उससे बोला जाए कि उससे कितना आपका फ्लक्स निकल रहा है, तो हमें वो निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं। अगर हमने देखा था कि अगर हम एक चार्ज को ले लेते हैं तो उसका हम एक सरफेस बनाते हैं, तो गॉसियन सरफेस एक स्फीयर की तरह बनता है, जिसमें हम चार्ज को का लेते हैं सेंटर पे होता है, क्लियर है। अगर मैं इसका अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता था फ्लक्स हमारा। अगर मैं बात हाँ अगर हम यहां पे समझते हैं कि ये जो रेडियस है, इस रेडियस पे इस फ्लक्स का कोई इफेक्ट नहीं है, जो फ्लक्स होता है आपका वो कभी भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, अगर यही चार्ज रहे और मैं गॉसियन सरफेस ये बना लूं छोटे रेडियस का, इस छोटे से भी उससे भी कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इससे बड़ा बना लूं सरफेस तभी भी जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें एक चीज समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अगर एक चार्ज है हमारा, उसके आसपास एक सरफेस हम राउंड सरफेस बना लें, तो उस एक चार्ज से हमेशा कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं स्पेस में एक चार्ज को रख देता हूं तो इससे हर डायरेक्शन में सारी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो जो टोटल फ्लक्स निकलेगा इसका, इसके चारों तरफ, वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज रखा हर डायरेक्शन में, आपकी पूरी 3D में आपको क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रही है वो क्या हो रही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो रही है, एप्सिलॉन नॉट हो रही है, समझ आ रहा होगा। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं उसका साइज डज नॉट मैटर्स कि कितना फ्लक्स उसे पास हो रहा है, साइज छोटा हो तभी भी उतना ही फ्लक्स पास होगा, बड़ा हो जाए तभी भी फ्लक्स उतना ही पास होगा, और उससे बड़ा हो जाए तो फ्लक्स उतना ही पास होगा। ठीक है, ये तो साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा हमारा। सेकेंड थिंग, शेप पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे, अभी मैंने अगर हम बात करें तो एक सपोज करिए क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड के मैंने सेंटर पे चार्ज रख दिया, एक क्यूबॉइड है उसके सेंटर पे मैंने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया। अब ये जो चार्ज है ये क्यूब, तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ अगर मैं ग्राउंड बना देता हूं तो हर डायरेक्शन में क्या होगा, हर डायरेक्शन में क्या निकालेगा, फ्लक्स निकालेगा, इधर इलेक्ट्रिक लाइन जाएंगी इधर को इधर को इधर को इधर को, तो हर डायरेक्शन में जाएंगी, तो इस ये पूरा का पूरा जो ये आपने छोटा सा स्फीयर माना है ये किसमें हो गया, ये क्यूब के अंदर तो स्टोर हो गया। ठीक है, तो आपका क्या मतलब है, यहां से समझ आ रहा है, जो इससे जो भी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो स्फीयर से तो पास हो रही है, इसका मतलब क्या है, हर एक क्यूब की कोई ना कोई सरफेस से पास होंगी होंगी, सिंपल है।
कि जो ये जो है ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो हर एक सरफेस से पास होंगी। मैंने सेंटर पर रख दिया एक, एक चार्ज को रखा और उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है हर डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो बॉक्स के हर एक जो क्लोज एरिया है, जो सरफेस हमने क्लोज की है, तो हर एक से आपकी क्या निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो ऐसे केस में भी आपका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्या एक चीज यहां समझनी चाहिए, तो जो हमारा जो सरफेस है, जो हम सरफेस मान रहे हैं क्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस, उसकी उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता और उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता कि फ्लक्स कितना निकल रहा है एक एनक्लो मतलब एक चार्ज से जो कि पूरा उस सरफेस ने एनक्लोज कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर हमने हमने क्या किया इस बार एक सिलेंडर रख दिया, चार्ज को अंदर रख दिया बीच सेंटर पे, तो इससे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपके सिलेंडर है, सिलेंडर के सरफेस से ही तो आउटसाइड निकलेगी। वो लेटरल सरफेस भी हो सकता है, ऊपर का एरिया भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है, निकलेंगी लेकिन कहां से, सिलेंडर से ही तो बाहर निकलेंगी। क्लियर हो रहा है? तो हमने चार्ज को रख दिया तो जो टोटल इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी वो सारी की सारी क्या है, सिलेंडर के एरिया में, तो जो सिलेंडर का बाहर का सरफेस एरिया उससे तो पास होगी। तो अगर हमसे कोई बोल देगा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर कंप्लीट सिलेंडर, तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरे सिलेंडर से। लेकिन हाँ, अगर एक पर्टिकुलर एरिया से बोला जाए कि अगर आपने बोला कि ऊपर ऊपर वाले का है तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारा सपोज करिए सेंटर में न रख के कहीं और पे रखा हुआ चार्ज। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमें एक चीज समझ आ गई, एक चार्ज से हमेशा जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सपोज करिए एक क्यूबॉइड है, उसके हमने बोल हमने क्या किया उसके एक क्या किया सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे हमने 3D ली, अगर 3D बात करें 3D सेंटर में यहां पे एक चार्ज रख दिया Q, यहां पे एक चार्ज रख दिया Q। अब वो हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस से पूछा जाएगा। अब पहले क्या था, सारे सरफेस से पूरे के पूरे क्यूब से पूछा गया था। अब हमसे बोला गया कि भैया आपका खाली एक सरफेस से पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे इसको, चलिए इसको समझते हैं। तो कैसे होता है इसमें, यहां देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो आपकी यहां से सारी लाइन्स निकलेगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स हर डायरेक्शन निकलेगी, सारी डायरेक्शन निकलेंगी, और सारी डायरेक्शन निकलने के बाद क्या है, जब सारी डायरेक्शन निकलेगी तो इक्वली हर जगह पर जाएंगी, कोई ऐसा तो है नहीं पार्शियलिटी की रहेगा, ये सिमेट्री के लिए हर डायरेक्शन में निकलेंगी। तो सिमेट्री के लिए और सेंटर में रखा हुआ है क्यूब के, तो हर एक सरफेस से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। सेंटर में चार्ज रखा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ फैल रही है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारे के सारे जो इसके सर्फेसिस है, सिक्स सर्फेसिस क्यूब के, उन सबसे बाहर निकलेंगी। और कैसे निकलेंगी, सिमेट्रिकली है, तो मतलब हर एक सरफेस से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो हमने यहां देखा था कि पूरे क्यूब से कितना निकलेगा, पूरे क्यूब से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो पूरे क्यूब से कितना निकला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और है कितने सर्फेसिस, सिक्स सर्फेसिस है, तो सिक्स सर्फेसिस में से एक क्यूब में कितने होते हैं, सिक्स सर्फेस होते हैं। तो सिक्स सर्फेसिस से हमने खाली किससे पूछा हुआ है, एक सर्फेस से पूछा है, खाली एक से। तो सिक्स सरफेस से फ्लक्स कितना निकला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना निकल गया, तो हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट। समझ आया होगा? तो हमें क्या करना है, बेसिक हमें क्या करना है, पूरे एरिया का, पूरे जो एरिया है जितने एरिया से आपका फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसको उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है इस एरिया के लिए। मतलब आपको क्या, टोटल जो एरिया है ना, मतलब जो आप जिस एरिया से निकालना है वो A1 से निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल जितने से निकल रहा है। यहां पे क्या था, टोटल सिक्स टाइम्स ऑफ A1, तो यहां पे क्या हो गया 1/6,
तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, 1/6 हो जाएगा टोटल जो फ्लक्स निकल रहा है। चलिए एक और को देख लेते हैं, इस बार क्या किया हमारे को, एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है, इसके पे यहां पे हमने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया, हमने क्या किया इसके कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। अब इस बार क्या किया हमने, हमने चार्ज को थोड़ा सा अलग जगह पर रख दिया, सेंटर में नहीं है, बाहर पे। तो हम क्या करेंगे इसके चार्ज को क्या करेंगे, एक सिमेट्रिकली क्लोज फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके सिमेट्रिकली क्लोज फिगर कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है, इसके साइड में आपका एक क्यूब बन जाएगा, इस तरीके से। और इसके भी क्या हो जाएगा, इसके जस्ट इस तरीके से, ये तो हो गए चार क्यूब। अगर आपको सिंपल में होता था, एक क्यूब था हमारा, एक क्यूब के एक कॉर्नर पे पड़ा है, ठीक है। तो उस ये कॉर्नर ले लिया हमने, एक क्यूब हमारे पास ये है, इसके इसके क्या होंगे, चार तरफ क्यूब हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ये चार क्यूब तो हो गए। तो ये चार जब क्यूब बनेंगे, ये फोर क्यूब्स हो गए जो नीचे बेड पे है, तो ये उसके अब ये जो चार्ज है ये क्या है, इन फोर क्यूब्स के सेंटर पे आ गया, आ गया। ऐसे ही फोर क्यूब्स और लगेंगे बाहर इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा चारों तरफ से क्लोज हो जाएगा। तो टोटल कितने क्यूब्स से आप एक कॉर्नर पे जो एक चार्ज रखा जाएगा उसको कितने क्यूब्स से आप भर सकते हैं, टोटल जो कॉर्नर्स, टोटल जो क्यूब्स होंगे वो इट विल बी 8, चार आपके हो गए पीछे, फिर उसके बाद क्या होगा, चार और बाहर को आगे। तो इसका एक एग्जांपल समझाते हैं, एक जैसे ये है हमारा एक क्यूब अगर है हमारे पास, इसके कॉर्नर ऊपर रख दिया, इस कॉर्नर पे हमने क्या रख दिया, आपका चार्ज रख दिया, तो इस कॉर्नर पे है, तो हमने क्या किया, इस एक इसके साथ एक और दूसरा क्यूब, दूसरा यहां पे क्यूब, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब, ये चार क्यूब आपने यहां पे लगा दिए, चार क्यूब ऐसे आपने लगा दिए, तो जो आपका चार्ज आ गया वो सेंटर पे आ गया। जब सेंटर पे आया तो अब ये है, ये तो इस तरह से, तो अभी क्या है, इसके ऊपर भी हमने क्या कर दिया, एक और बार जैसे ये थे, इसके ऊपर एक और बार हमने क्या कर दिए, चार क्यूब्स और लगा दिए। तो अब क्या हुआ, जब पहले से ये चार क्यूब से नीचे वाले, तब आपके ये ऊपर था लेकिन सेंटर पे था, अब इसके ऊपर एक और रख दिए हमने चार क्यूब्स, तो अभी क्या हो गया, बिल्कुल बीच में आ गया, पूरे 8 क्यूब्स के बीच में आ गया। तो इसी तरीके से जो ये है ना आपका, इसको करने के लिए आपको कितने क्यूब्स बनाने पड़ेंगे, 8 क्यूब्स, समझ आ रहा होगा, टोटल कितने क्यूब्स लगेंगे, 8 क्यूब्स। तो हमारा जो फ्लक्स है वो 8 क्यूब से कितना निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे बोला गया था एक क्यूब से निकालना है, तो एक क्यूब से निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल 8 क्यूब्स लगेंगे, तो एक क्यूब से कितना हो गया, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए एक और देख लेते हैं, हमारे को एक हेमिस्फीयर दिया है, हेमिस्फीयर दिया है, ठीक है। तो हमें अब बताना है कि इसमें कितना आपका फ्लक्स क्रिएट, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा हेमिस्फीयर से, चार्ज हमने प्लेस कर दिया ऑन द सरफेस वाले इस वाले आपके एरिया पे, ठीक है। तो इस टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा इसमें ये बताना है हमें, तो हमें क्या, हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे तो क्लोज कर देंगे, कंप्लीट क्लोज कर दिया एक कंप्लीट स्क्वायर। तो क्या हुआ, आपका टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किससे आया, कंप्लीट स्क्वायर से, ठीक है। और हमें कितने का चाहिए, हमें इसके हाफ का एरिया चाहिए, हाफ एरिया से कितना निकलेगा, तो हाफ हो गया कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। यहां समझ आएगा होगा कैसे किया, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि आपको इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह निकलेगी आपकी, तो जितनी आधी इस वाले स्फीयर में आएगी और आधी ऊपर वाले स्फीयर में आएगी, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा जो टोटल से निकलते, टोटल स्फीयर से कितनी निकलती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो आधे से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ आ रहा होगा। चलिए एक अब आता है, अगर आपके पास कोई कोन कॉनिकल ऐसा से दे दिया, आपके पास इस टाइप से एक सर्कुलर हो और आपको दे दिया जाए कि चार्ज कहां रखा गया है, एक डिस्टेंस में रखा गया है, ठीक है। तो अब क्या है, ऐसे केसेस में हमें क्या है इलेक्ट्रिक बताना है कि इससे कितना निकलता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो समझ लेते हैं। इसका जो यहां पे क्या है, चार्ज क्यू है, तो इसका जो आपको याद रखना है फ्लक्स कितना होता है, इट इज क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। जो फ्लक्स होता है थ्रू अ कॉनिकल सरफेस, और इसे थीटा होता है, ये क्या होता है वर्टिकल हाफ एंगल, ये एंगल कितना है ये वाला, ये होता है, ठीक है। तो हमारे का हमारा को अगर ऐसा एंगल दे दिया जाए आपको, और ये आपको एक सरफेस सर्कुलर सरफेस से कितना निकल रहा है, तो अगर आपको उसको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है वैल्यूज के, अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने यहां पे एंगल दे दिया, कंप्लीट एंगल ऑफ कोन कितना था 60, ये 60 था, कंप्लीट एंगल कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमारे को चार्ज देगा क्यू, तो हमारा कितना आएगा फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस, यहां पर 60 नहीं आएगा, ये क्या होगा उसका हाफ, उसका हाफ कितना हो गया 30, तो cos 30, cos 30 की बात करें तो cos 30 कितना होता है रूट 3 बाय 2, तो आपका जो फ्लक्स आ गया इट इज इक्वल टू q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस रूट 3, ये आपका फॉर ये आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज समझ ली कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज रखा जाता है और हमें कोई भी सरफेस दे दिया जाता है, उससे अगर हमारे को कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो हमें क्या करना है, हमें आइडिया निकालना है कि उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी एज कंपेयर टू अ कंप्लीट क्लोज सरफेस। अगर एक कंप्लीट क्लोज सरफेस होगा तो उसके कंपेरिजन में उस वाले खाली पर्टिकुलर सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी, और जो भी आएगा फैक्टर उससे आप क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कोन के केस में ये फॉर्मूला रहता है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हमने अभी किया था वो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर एक भी सरफेस है, ठीक है ना, तो उससे आपको क्या करना है, आपको एक कंप्लीट सरफेस बनाना है। एक एक्सियल वाला क्वेश्चन है कि एक फ्लैट सरफेस है आपका, स्क्वायर सरफेस है ए बाई ए का है, हमें क्या है एक एट अ डिस्टेंस ऑफ ए बाई टू एक चार्ज रख दिया गया हमारा एक सरफेस के, इसके या ए बाई टू डिस्टेंस पे हमने क्या रख दिया एक चार्ज रख दिया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, स्क्वायर सरफेस, इस स्क्वायर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो बताना है हमें, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करते हैं हम, ये एंगल ये डिस्टेंस देखेंगे आप ए बाई टू है, तो हम क्या करते हैं इसको क्लोज एक क्लोज सरफेस बनाते हैं इसका, ठीक है। ये हमने क्या किया क्लोज इसका सरफेस बना लिया, क्या बनेगा क्यूब बनेगा, अगर हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कम करें, हमने क्या किया हाइट ए का, ए हाइट का एक क्यूब बना दिया, हमारे को एक सरफेस दे रखा था नीचे एक प्लेट दे रखी थी ए बाई ए की, और ए बाई टू हाइट पे सेंटर से ए बाई टू हाइट पे चार्ज रखा था क्यू नॉट, ठीक है ना, क्यू नॉट चार्ज रखा था, और हमसे पूछा था व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ये सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो हमने क्या किया एक कंप्लीट क्यूब बना दिया उसके चारों तरफ, कंप्लीट क्यूब बना दिया, तो ये क्या हो गया ये सेंटर पे आ गया बिल्कुल इसके, आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल सेंटर पे आ गया, तो जब बिल्कुल सेंटर पे आ गया तो आप क्या करोगे, आप सिंपल बोलोगे कि जो इस क्यूब से फ्लक्स निकलेगा वो कितना है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो
तो एक सरफेस से कितना रह जाएगा, क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं टोटल, जो आपके सरफेसेस होते हैं वो होते हैं सिक्स, तो हमें कितने से निकालना है, एक से, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट, इजी। तो हमें क्या करना है, एक गॉसियन, एक कंप्लीट सरफेस बनाना है, क्लोज सरफेस सिमेट्रिकल हो हर जगह से, और जैसे हमारा सिमेट्रिकल सरफेस बन जाएगा तो हमें देखना है कि इस पूरे में से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरे टोटल एरिया का कितना पार्ट है, 1/6 है ये, तो 1/6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा कैसे करना है। चलिए, ये तो हमारे क्या है, हमने फ्लक्स निकाल लिया। अब नाउ हमें क्या, हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे ऑफ गॉस लॉ। तो हम यहां करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। To find electric field, हमें क्या है, electric field निकालनी है, और electric field intensity कह लेते हैं एक ही बात, वो पूरा complete सही से। तो हमारे को अगर हमें क्या करना है, Gauss law की help से electric field intensity निकालनी है, intensity, ठीक है। चलिए, तो हम केसेस करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहला करते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, एक पॉइंट चार्ज रख लिया हमने, ठीक है। इसके चारों तरफ हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना है, तो एक पॉइंट चार्ज का जो गॉसियन सरफेस बनता है दैट इज अ स्फीयर, एक स्फीयर बना दिया हमने, रेडियस हमने इसका आर है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमने क्या किया, अगर हमारे को चार्ज दिया गया क्यू, प्लेस एट द सेंटर है, मतलब हमें क्या प्लेस एट द सेंटर किया, हमने क्या करा उसके आसपास गॉसियन सरफेस बना दिया सच दैट कि वो प्लेस एट सेंटर हो गया, प्लेस एट सेंटर पे हो गया। तो अब हमारे को क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कहते हैं, फ्लक्स बाय गॉस लॉ, अगर हम बात करें बाय गॉस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड कितना, क्यू है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। और यही फ्लक्स किसके इक्वल होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे इस पूरे को, फ्लक्स हमारा कोई काम नहीं है, यहां पे हमें क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो कैसे निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें निकालना चाहिए, तो हमें निकालना है, ड्राइव करना है हमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान ली ई, क्या मान ली ई, चलिए तो हम तो अभी निकाल ही देते ई आ गया, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एस, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एस, ठीक है। तो हमारे को पता लग गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एस। अच्छा, इस सरफेस का कंप्लीट का एरिया कितना हो जाएगा, अगर साइक्लिक इंटीग्रल कंप्लीट कर दें तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। तो इसी को तो हम लिखते हैं सही से, अगर हम बात करें तो हमारा कितना निकल गया था, हम इसको लिखते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही हमने क्या था पहले ड्राइव किया हुआ था, गॉस लॉ से भी वही आ गया। तो हमारे को क्या है यहां से समझना है, अगर कोई पॉइंट चार्ज दिया जाए उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, गॉस बाय गॉस लॉ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट, जो हमने चार प्रॉपर्टीज बताई थी, एक गॉसियन सरफेस पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, तो ई कांस्टेंट है बाहर आ गया, ई बाहर आ गया, डीएस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएस, तो डीएस इसका स्फीयर का अगर हम पूरा साइक्लिक इंटीग्रल कर दें तो टोटल एरिया कितना जाएगा, फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर इधर आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपकी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
समझ आ गया होगा। चलिए अब इसको एक और करते हैं नेक्स्ट। अब हम कहते हैं ड्यू टू अ लीनियर चार्ज। हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज। अगर हम लीनियर चार्ज के लिए करना चाहते हैं तो क्या निकल के आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लीनियर चार्ज ले लिया, ठीक है। और हमें क्या है, एट अ डिस्टेंस r पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। हमारे को दिया हुआ है कि इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी तो समझ आ गया होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है इसकी लैम्डा, क्लियर है। तो हम इसे क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। एक लीनियर चार्ज का जो गॉसियन सरफेस बनता है, इट इज अ सिलेंडर। कैसा शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है आपका। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप बनता है इसका। तो इलेक्ट्रिक, अगर आप गॉसियन सरफेस ऑफ अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिलेंडर, एक सिलेंडर की फॉर्म में हो गया, ठीक है जी। हमारा ये सिलेंडर आ गया। अब हमें क्या करना है, लगाए गॉस लॉ। तो फाई इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस एंड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसका, कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ठीक है, इसको देख लेते हैं। चलिए अब बात आती है इसमें हमारे को, देखते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ई बार साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएस, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हुआ आपका, ये बना। अब यहां आते हैं डीएस, जो एरियाज है वो देखना है। तो हमें, हम देखते हैं हमारे पास तीन एरिया है, एक तो ये ऊपर वाला एरिया, एक बेस, और जो थर्ड है वो क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया। इसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं, इसमें देखेंगे अगर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां को निकल रही है, इधर को, दोनों साइड को जाएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, इसकी इंटरक्शन में जा रही है। और एरिया वेक्टर कहां को है इसमें, अगर एरिया वेक्टर बात करें तो एरिया वेक्टर यहां है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, अगर बात करें टॉप वाले सरफेस के लिए, उनके बीच में एंगल कितना है, जीरो। इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री, जीरो नहीं है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इसकी बात करें, जब हमारा यहां से फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहां से जीरो, यहां से फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। सिमिलरली यहां पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर नीचे को है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके इधर को, दोनों साइड से कोई ले लेते हैं, एंगल 90 डिग्री का है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे इन दोनों केसेस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी, जीरो। तो अब जो हम ये वाला जो कर रहे हैं ई डॉट डीएस, इस ये जो ई डॉट डीएस, जब डीएस वाली बात करेंगे तो उसमें ये दोनों एरिया इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज इनकी वजह से फ्लक्स कितना था, जीरो। तो कौन सा एरिया इंक्लूड होगा, अब एरिया के देखते हैं। अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया के लिए। सिलेंडर में हमारा जो ऊपर वाला और नीचे वाला तो क्या है, इनकी एरिया वेक्टर ऊपर को हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 90 डिग्री पे होगी उनसे। तो यहां पे तो फ्लक्स जीरो हो गया, ऊपर वाले की सरफेस एरिया से फ्लक्स जीरो, नीचे वाले की फ्लक्स जीरो। अब बचा है क्या हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसकी बात करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को और एरिया वेक्टर भी इधर को, इनके बीच में एंगल कितना है, जीरो। इनके बीच में एंगल जीरो, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आता है, ई इंटू ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है, ई डॉट डीएस है, तो यहां कॉस थीटा आएगा। तो कॉस थीटा जीरो है, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा की वैल्यू वन हो गई। तो हमें, हम यहां करेंगे, हम जो ये डीएस लेंगे, इट विल बी ऑफ लेटरल सर्फेस एरिया। कौन सा लिया जाएगा, लेटरल सर्फेस एरिया। और एक सिलेंडर का लेटरल सर्फेस एरिया कितना होता है, 2πr, ये 2πr है यहां से रेडियस r, इनटू लेंथ, इसकी पूरी लेंथ ले लेते हैं l। तो e इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया 2πr इनटू l, ये लेंथ हो गई।
ठीक है। अब यहां पर आते हैं क्यू, क्यू क्या है चार्ज, और हमें क्या दे रखा है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। तो यहां से हम कह सकते हैं जो क्यू होगा वो कितना होगा लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इंटू एल एप्सिलॉन नॉट, ये एल से कैंसिल हो जाएगा एल। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है ड्यू टू आ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा तो यहां जाएगा टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, टू पाई एप्सिलॉन नॉट फिर का, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, समझ आ गया होगा। तो हमारे को इस तरीके से क्या करना होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए अब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल अगर देख लेते हैं सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, ड्यू टू अ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर, सिलेंडर की वजह से देख लेते हैं। अब यहां पे ना दो केस, अब यहां पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, ठीक है। हमारे पास जब भी 3D ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो कंडक्टिंग होगा या फिर नॉन कंडक्टिंग। अब कंसेप्ट समझो, हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर अगर हमारा कंडक्टिंग हो जाएगा, अगर कंडक्टिंग हो गया तो कंडक्टिंग में जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो चार्ज होता है वो हमेशा कहाँ होता है आउटर सरफेस पर आ जाता है, कहाँ आ जाता है आउटर सरफेस पे। तो उसका जो जो चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, सारा का सारा कहाँ होगा आउटर सरफेस पे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, क्लियर है। सेकेंड केस, अगर वो नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है, देखिए अगर हॉलो है, हॉलो में तो हमेशा क्या हो जाएगा सरफेस पर आ जाएगा, अगर नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है तो इसमें क्या होगा, इस ऐसे केस में जो आपका जो चार्ज होता है वो कहां से जाता है, बीच में आपका बॉडी के बीच में होता है, ठीक है। तो दो केसेस हमारे इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक। आपको अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक, पहले हम करते हैं दो केसेस समझ आ गए, कंडक्टिंग होगा तो हमेशा चार्ज कहां जाएगा सरफेस पे पहली चीज, सेकंड नॉन कंडक्टिंग होगा तो सरफेस के अंदर ही आपका, मतलब सरफेस को छोड़ बॉडी के अंदर कहीं पे चार्ज आपका रहेगा, ठीक है। तो हम पहले कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, पहले हम कंडक्टिंग पे कर लेते हैं फिर हम क्या कर लेंगे नॉन कंडक्टिंग पे कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर कंडक्टिंग, ठीक है, इसमें समझ कंडक्टिंग को समझ लेते हैं फिर नॉन कंडक्टिंग को भी समझ लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक सिलेंडर दिया है, उसकी हाइट है आपके पास h और रेडियस है इसका r, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें बोला गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस a, एट अ डिस्टेंस a, हमें a पे निकालनी है, ठीक है। तो अब एक तो आपको तीन केसेस आ सकते हैं यहां पे, आप समझो तीन केसेस आ सकते हैं, कौन कौन से केस, फर्स्ट केसेस तीन केस होंगे आपके पास, केस वन केस टू एंड केस थ्री, तीन केसेस हो सकते हैं। ये तीनों समझा देते हैं क्या होते हैं, इसे कहेंगे आउटसाइड सिलेंडर, आउटसाइड सिलेंडर। ये कहां पे देखा है, आउटसाइड की बात करेंगे जब, जब आपके क्या है सिलेंडर से बाहर है, ठीक है। सेकेंड केस ऑन द सिलेंडर, सिलेंडर की मतलब आपकी बाउंड्री पे ही है, मतलब आपने क्या कर दिया ए पॉइंट कहां आ जाएगा आपका उस टाइम पे यहां आ जाएगा, ठीक है। लास्ट केस इज इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। तो तीनों केसेस समझते हैं एक एक कर देंगे। पहला केस सिलेंडर में हमारे जो ए पॉइंट है ए, वो कहां पे आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर से बाहर है, ए डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं फॉर आउटसाइड सिलेंडर जो आपका ए है वो क्या है ग्रेटर देन रेडियस, रेडियस से क्या है जो आपका डिस्टेंस है वो रेडियस से ग्रेटर है,
ऑल द सिलेंडर होगा तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू रेडियस एंड लास्ट ए इज लेस देन रेडियस। ठीक है चलिए केस वन करते हैं, केस वन के लिए निकालते हैं। तो केस वन के लिए, केस वन तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। एक सिलेंडर का गॉसियन सरफेस क्या होता है, वो भी सिलेंडर ही होता है। एक सिलेंडर का गॉसियन सरफेस, बड़ा सिलेंडर, बहुत बड़ा सिलेंडर, ठीक है जी। एक सिलेंडर का गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, ये वो भी सिलेंडर ही होगा, ठीक है। तो चार्ज हमारा क्या है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर। अगर हम बात करें तो चार्ज हमारा क्या है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहां पे है ये सारा चार्ज, ये सारा का सारा चार्ज होगा सरफेस पे। तो हम इसकी क्या बात कर लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी इसकी सिग्मा। इसकी क्या हो जाएगी, सरफेस पे है सारा चार्ज, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी देखी हमें सिग्मा। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही ई साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब यहां देखते हैं, सेम चीज है हमारे, खाली जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हुआ होगा वो कौन सा आया होगा, लेटरल सरफेस एरिया से। इन दोनों जो टॉप सरफेस है, ऊपर का सरफेस और नीचे के सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। क्यों, बिकॉज इनके बीच टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और आपका एंगल जो है, एरिया वेक्टर जो कहते हैं, उनका एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री होगा तो उसके फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो ऊपर को कोई भी फ्लक्स नहीं आया, नीचे को कोई भी फ्लक्स नहीं आया, तो सारा फ्लक्स इस साइड से गया। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया लेना है, ई कॉन्स्टेंट है, साइक्लिक इंटीग्रल अगर हम करेंगे सरफेस का, तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई। गॉसियन सरफेस का एरिया इस बार रेडियस कितना है, ए, 2 पाई ए इंटू हाइट कितनी है, एच, हाइट है एच, 2 पाई ए इंटू एच, क्लियर। चलिए अब जो चार्ज, जो चार्ज हमें डेंसिटी में देता है सिग्मा, तो चार्ज डेंसिटी सिंपल है, सिग्मा इज इनटू चार्ज का हमें फैला है आपका कर्व सरफेस पे, ठीक है। तो कर्व सरफेस पे फैला हुआ है आपका जो चार्ज, तो क्या हो जाएगा, आपकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा हो गया इंटू एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई। यहां पे क्या है, सिलेंडर का रेडियस कितना है, सिलेंडर का रेडियस है आर, गॉसियन सरफेस का कितना था ए, तो यहां तो गॉसियन सरफेस का आता है तो हमने यहां लिख दिया ए। अब यहां जो आएगा, यहां पे क्या आएगा, जितने भी चार्ज फैला है तो वो किसका है, सिलेंडर का आएगा, तो यहां आएगा 2 पाई आर इंटू एच अपॉन सिग्मा नॉट, क्या कैंसिल होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहां पे, आउटसाइड द सिलेंडर। तो आउटसाइड का केस वन का जो हम लिख लेते हैं यहां पे, अपने पास केस फर्स्ट में जो आता है वो हमारा कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, केस वन का हो गया, समझ आ गया होगा आपको। तो केस वन में हमारा क्या था, ए ग्रेटर देन आर था, तो ये हमारा ये फॉर्मूला बना। लेकिन अगर ये मैं छोटा होता चले जाए, छोटा होता चले जाए, और ये आर क्या हो जाए, ए के बराबर हो जाए, आर क्या हो जाए, ए के बराबर हो जाए, तो इससे गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, ये खुद ही सिलेंडर बन जाएगा, समझ आ रहा होगा। जब हम ऑन द सरफेस की बात करेंगे तो ये आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए, अच्छा ओके, सिग्मा आर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहां पर से ए मिल जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ए नीचे ले गया, तो इसका कितना है, सिग्मा आर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर हम बात करते हैं ऑन द सरफेस की बात करेंगे, जब ऑन द सरफेस की बात करेंगे तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए के, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई केस टू, अगर हम बात करें केस टू के लिए, केस टू के लिए ये सारा सेम रहेगा, बस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए, तो ए से भी ए कैंसिल हो जाएगा, तो आर और ए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जब, अगर हम बात करते हैं, जब हमारा ऑन द सरफेस की बात आएगी तो इसका कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। केस सेकंड इज इक्वल टू, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
अब आते हैं केस थ्री के लिए। केस थ्री में क्या होगा, रुक करते हैं। केस में समझ आ गया होगा आपको, बस केस टू में क्या है, आपको ए की जगह पे क्या रख देना है, आर रख देना है। नेक्स्ट केस थर्ड, तो आपका ये क्या था, सिलेंडर था, इसका रेडियस आर। अब हमें क्या करना है, एट अ स्मॉल डिस्टेंस यहां पे, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा, अब ये गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, हमारा छोटा सिलेंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा सा सिलेंडर, छोटे वाला सिलेंडर हो जाएगा। फिर तो हम वही कराएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ई साइलेंट इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई तो हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, डी एस गॉसियन सरफेस कौन सा है, छोटे वाला, तो इसका कितना जाएगा, टू पाई ए इंटू एच इंटू एच। ठीक है जी, ये समझ आ गया होगा यहां तक। लेकिन इस बार ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पे क्या आई, जो हमारा चार्ज जो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जीरो, इसके अंदर चार्ज कितना है, जीरो, अंदर तो चार्ज ही नहीं कोई, क्योंकि सारा चार्ज कहां आ गया, बाहर आ गया, तो इसका चार्ज कितना है, जीरो, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग सिलेंडर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं केस थर्ड, लिख लेते हैं केस थर्ड में जो ई की वैल्यू आई कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है जी, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब इसे ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, तीनों केसेस हो गए, अब इसके ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ए, ए की बात करते हैं, यहां रेडियस है आर, और यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो जब तक आपका जीरो से लेके आर रेडियस तक नहीं पहुंचा था, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, जीरो, तो यहां पे ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप आर पे पहुंचे, तो आर पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिली आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एट आर आपकी कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका यहां पे क्या हो गया, ये हो गया। और अब जो अब आप इससे आगे जाएंगे, तो ये फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, आर के साथ क्या है, वेरी करेगा। ठीक है, तो ये आर के साथ वेरी करेगा, तो ये इस तरीके से जैसे जैसे आपका आर बढ़ता चले, ये ए, अच्छा आर तो कांस्टेंट है, सिग्मा आर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, वन अपॉन ए की तरह वेरी करेगा। तो वन अपॉन ए क्या है, जैसे जैसे आप ए की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ये आपका ऐसे इस तरीके से कर आता है। तो ये क्या आपका, इस यहां से ये लाइन, फिर यहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, यहां पे आया और इसकी वैल्यू है आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एट अ डिस्टेंस आर, और उसके बाद ये नीचे को डाउनवर्ड जाता रहेगा। क्लियर हो रहा है, तो ये आपका इसका ग्राफ बन जाता है। सिलेंडर का अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिलेंडर, ये इस तरीके से आपको निकलता है। इसके तीन केसेस होते हैं, आउटसाइड द सिलेंडर, ऑन द सिलेंडर, और लास्ट इज इनसाइड द सिलेंडर। ये था कंडक्टिंग का, ये किसका था, कंडक्टिंग का। नेक्स्ट केस जो आता है वो आता है नॉन कंडक्टिंग का। अच्छा, आपको एक चीज समझनी है, हॉलो सिलेंडर हो जाए और कंडक्टिंग सिलेंडर, दोनों का केस क्या है, सेम रहता है, क्योंकि दोनों में जो चार्ज होता है आपका ऑन द सरफेस आ जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या था, कंडक्टिंग हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, किसके वजह से, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो यहां समझ लेते हैं, यह अब है नॉन कंडक्टिंग के लिए बात करते हैं, बना लेते हैं। ये हमारा एक सिलेंडर है, इसका रेडियस है हमारे पास आर, रेडियस आर है, हाइट है हमारे पास एच। इस बार ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग मतलब इसके अंदर जो चार्ज है वो अंदर ही एम्बेडेड रह गया, बाहर नहीं निकल पाया,
कि चार्ज है वो अंदर ही अंदर एम्बेडेड है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी, तो चार्ज डेंसिटी हम बात करें तो जब अंदर है तो ये किसमें वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो इस टाइम पे क्या होगा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, ना ही इसकी ना ही आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इट विल बी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो रो से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये पूरे वॉल्यूम में फैला है। तो हम पहला केस लेते हैं जब हमने क्या किया ए को केस फर्स्ट आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर से बाहर, सिलेंडर से बाहर है। क्लियर? चलिए फॉर्मूला वही है, E डॉट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये हो गया E, E की बात करते हैं, E कांस्टेंट रहेगा, इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, एक सिलेंडर होगा, क्या होगा बहुत बड़ा सिलेंडर, वो भी एक सिलेंडर होगा। ठीक है, चलिए सिलेंडर का गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, ऊपर और नीचे वाले एरिया को लेना ही नहीं है, क्यों, उससे फ्लक्स कितना है जीरो, फ्लक्स किसकी वजह से मिल रहा है, खाली लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया 2πa इनटू h, इसकी हाइट कितनी है h। क्लियर है, यहां तो समझ आ गया। अब आते हैं बात q की, यहां चार्ज की बात आते हैं, तो हमें क्या है, हमें डेंसिटी दे रखी है चार्ज डेंसिटी रो, तो हम क्यों निकाल, क्यों की जगह हम क्या लिखते हैं डेंसिटी इनटू, ये तो क्या है यहां पे क्या आएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितनी है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है पाई आर, आर क्या, ये जो है ये सिलेंडर है तो इसका रेडियस है आर, पाई आर स्क्वायर इनटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है, यही होता है हमारा वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच होती है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है एच से एच कैंसिल आउट, तो हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई, एप्सिलॉन जो है वो आपकी एप्सिलॉन वैसे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई रो इनटू आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, टू एप्सिलॉन नॉट ए, तो आपका क्या हो जाएगा रो, रो बचा आर स्क्वायर बचा, यहां से टू और ए नीचे आया तो टू एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, तो फर्स्ट केस का आ गया हमारा आंसर कितना रहा है इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया फर्स्ट केस। चलिए सेकेंड केस के लिए ये आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R will be equal to A. R किसके बराबर हो जाएगा A. तो यहीं पे हम कर देते हैं, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आपको पूरा केस टू करना है तो केस टू सब कुछ सॉल्व करके R जगह A रखना है, बस A स्क्वायर हो जाएगा, A से A के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा केस टू जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कितना आ रहा है आपका रो चार्ज डेंसिटी A अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया। अब आते हैं केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री में क्या है, जो हमारा जो ए पॉइंट है वो कहां है इनसाइड द सिलेंडर, ए कहां है इनसाइड द सिलेंडर, तो हम यहां पे बात करते हैं ए पॉइंट यहां पे है हमारे यहां पे, तो ऐसे केस में जो हमारा वो बनेगा गॉसियन सरफेस इट विल बी अ स्मॉल सिलेंडर, सिलेंडर बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। क्लियर, चलिए अब इसी को फॉर्मूले को ही लगाना है, कर लेते हैं थोड़ा सा मेहनत करनी है और ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, E हमारा कांस्टेंट है बाहर आ गया, ds गॉसियन सरफेस का कितना क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया काउंट वाला निकलेगा कितना है 2πa इनटू h, और q, अब q की जगह पे अब क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट से नीचे है q, q के साथ q आएगा आपका रो दे रखा है इनटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसका सिलेंडर जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, इस बार जो होगा वो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा क्योंकि चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड कौन सी की वजह से होगा, खाली चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस के कौन सा होगा, जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा, इसके अंदर जो चार्ज होगा वही होगा, पहले क्या था ये सरफेस बड़ा था तो इसमें क्या था हम खाली यहां तक लेते थे क्योंकि सिलेंडर तक था,
अब क्या ये अंदर की बात, अंदर है सिलेंडर के अंदर, तो ये क्या है छोटी सी अंदर की बात है, तो इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां तक का ही तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ले लेते हैं वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई ए स्क्वायर, क्योंकि यहां पे कितना है ये, इसका रेडियस ए इंटू एच, एच से पाई एच, पाई एच कट गया, ए ए से ए कट गया, तो ई कितना आ गया आपका सिग्मा, अब ए स्क्वायर ए बच स्क्वायर होता है बचा ही कट गया, अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। चलिए अब आते हैं इको तीनों को, तीनों आपको फॉर्मूले मिल गए आउटसाइड के लिए, ये वाला केस इन ऑन द सरफेस के लिए, ये वाला केस और कहां के लिए आपका इनसाइड के लिए, ये वाला आ गया, तो इसका ग्राफ बना देते हैं, ये केस वन था, केस टू था और ये केस थ्री था, तो तीनों केसेस के लिए आपको जो है वो आपके सामने आ गए, तो केस थ्री भी लिख देते हैं यहां पे, केस थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो गया। चलिए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में वैसे ही बनेगा आपका, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर आपका ए, यहां पे ए आपका है और ये इस पॉइंट आ गया आपका आर, जीरो से लेके आर की बात आते हैं, ये जीरो से लेके आर कौन सा हुआ, केस थर्ड इनसाइड द सिलेंडर की बात हो रही है, तो यहां देखते हैं रो आपका कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो लीनियरली वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियरली वेरीज विद ए, ए के साथ क्या करता है ये लीनियरली वेरी करता है, तो ये कितना आ जाता है, ये आपका आ जाएगा सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये लीनियरली वेरी कर रहा है, वैल्यू करते करते आर में कितनी वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, देखेंगे ए की वैल्यू कहां हो जाएगी, आर में नॉट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद यहां वाले में आते हैं केस आउटसाइड वाले के लिए, तो यहां देखते हैं आर हमारा कांस्टेंट है, रो ये बस इसमें किससे वैल्यू कर रहा है, 1 अपॉन ए की वैल्यू कर रहा है, तो ए के साथ वैल्यू कर रहा है, तो ये फिर से ऐसे ही, ठीक है। तो इधर वाला जो आपका होता है ये लीनियरली वैल्यू कर रहा है, यहां पर आपकी वैल्यू होगी सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या कर रहा है ये आपका नीचे को आपको स्लोप में जा रहा है, ठीक है, 1 अपॉन ए के फैक्टर से आपको क्या हो रहा है डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया, हमने समझ लिया कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग सिलेंडर और कंडक्टिंग, अगर कंडक्टिंग सिलेंडर है तो उसमें तीनों केस इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नॉन कंडक्टिंग में भी आपके क्या हो गया, तीनों केसेस आ गए इनसाइड आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस। अब जो है नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम निकालते हैं शीट के लिए, अब थिन थिक एक शीट के लिए अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज, नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें भी हम बात करेंगे अभी, इसमें भी देखो शीट के लिए जब हम बात करते हैं तो देयर आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते थिन शीट, लिख लेंगे थिक शीट। अब इन डिफरेंस क्या है, थिक शीट को ले लेते हैं, थिक शीट है बहुत पतली, बहुत पतली मींस उसकी जो डायमेंशन है आपकी हाइट वाली डायमेंशन कह लीजिए या थिकनेस वाली डायमेंशन कह लीजिए, वो कि उसकी वैल्यू कितनी है, नेग्लिजिबल है, मतलब आपकी जो थिकनेस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके जो चार्जेस होते हैं वो क्या होगा, एक प्लेन की तरह एक्ट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस साइड को भी जा रही हैं, सिमिलरली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरी साइड को भी जा रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों साइड को जाती हैं, किस केस में, थिन शीट में, जब ये हमारा कैसा शीट थी, थिन शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों साइड को जाती है,
थिक शीट में क्या होता है? तो थिकनेस आ जाती है आपकी। ऐसे केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर इन अ सिंगल डायरेक्शन। ये कहां को निकलती है? एक ही डायरेक्शन को निकलती है, दोनों साइड नहीं जा पाती, क्योंकि इस साइड क्या है, थिकनेस ज्यादा होती है आपकी, तो चार्ज एक सरफेस को, एक सरफेस में होते हैं पूरे, दूसरे सरफेस पे नहीं है, कंसिडर कर जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो केस हो गए, थिक हो गया, दूसरा हो गया थिक शीट का। तो अब यहां पे दोनों के लिए समझते हैं, पहले आते थिन शीट के लिए, फिर आते थिक शीट के लिए। चलिए यहां आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट। अभी हम थिन शीट के लिए कर लेते हैं। थिन शीट में क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दोनों साइड को ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इसका एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं इसकी, हमारे चार्ज डेंसिटी देखिए सिग्मा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमें देखिए सिग्मा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, इसमें गॉसियन सरफेस हम बना लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप। एक सिलेंडर की शेप में इसका क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, या आपका इस तरीके से क्या गॉसियन सरफेस हो गया एक सिलेंड्रिकल शेप में, ये आपका गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, अगर हम बात करें वही चीज है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन इधर को, इसमें भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस साइड को। तो अब हम बात करें तो हमारे पास फ्लक्स कितने सर्फेसिस की वजह से हो सकता है, तीन सर्फेस तो है, एक ये सर्फेस वाला, एक ये वाला, और एक कौन सा हो गया, कर्व सरफेस, जो इसका कर्व सरफेस है। अब यहां कर्व सरफेस लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को हो गया और एरिया वेक्टर कहां हो गया, ऊपर को हो गया, तो इनके बीच में कितना एंगल आ गया 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री आ गया फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस लेटरल सरफेस, इसका जो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस है उसकी वजह से कितना हो गया फ्लक्स, जीरो। किसकी वजह से फ्लक्स है, एक तो इसकी वजह से फ्लक्स है, क्या है यहाँ पे, एरिया भी इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर को है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर को है, एरिया वेक्टर भी इधर को है। तो दोनों, अब हमारे पास कितने सरफेस हो गए, दो सरफेस हो गए, नहीं हो गए, इसके वजह से भी फ्लक्स है, इसके वजह से भी फ्लक्स है। चलिए हमने मान लिया इसका एरिया है ए, कितना मान लिया एरिया ए। चलिए करते स्टार्ट करते, बाय गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस, फाई तो होता है ना ई डॉट डी एस, बाय गॉस लॉ तो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो स्टेटमेंट है, ये क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका बाय गॉस लॉ आता है। ई हमारा गॉसियन सरफेस के लिए कांस्टेंट, साइक्लिक इंटीग्रल हमें करना है डीएस का, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब बात करते हैं इस ए एरिया की, अगर हम बात करें यहां से तो हमें कितना एरिया लग रहा है, ए एरिया है, क्या है, ए एरिया से बात करते हैं। तो ई गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, एक ये एरिया है और एक ये एरिया, तो दो एरिया है हमारे पास, तो हमें बोलते हैं टू इंटू ए मान लिया था, हमने कितना मान लिया था, हमने ए मान लिया था, तो कितना हो गया टू इंटू ए, क्लियर। अच्छा अब आते चार्ज की बात करते हैं, चार्ज कहाँ है, चार्ज तो इस सरफेस में ही है, यही सरफेस दोनों की तरफ को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो चार्ज अगर हम बात करें क्यू, क्यू कितना हो गया सिग्मा इंटू ए, क्यू आ गया सिग्मा इंटू ए, चार्ज कितना, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, कितने एरिया में फैला है, ए एरिया में, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया सेम सिलेंडर है, तो ये एरिया ए है, तो ए एरिया में कितना आपको चार्ज फैला कितना होगा, सिग्मा इंटू ए निकल गया, तो ये हमारा एरिया तो आगे सिग्मा इंटू ए, और हमारा जो गॉसियन सरफेस का एरिया आ रहा है वो कितना रहा है, एक तो एरिया इधर को आ रहा है और इधर एरिया पीछे को आ रहा है, तो दोनों एरिया आ गए, तो हम टू इंटू ए लिख देते हैं। अब कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, होगा ए से ए कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैपेसिटेंस चैप्टर में, ये आपको अगर आपको कैपेसिटर निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो उसमें ये यूज होगा। ठीक है, चलिए
तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अगला करते हैं थिक शीट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिक शीट, थिक शीट की वजह से भी देख लेते हैं। तो थिक शीट की वजह से चेक करते हैं। तो एक शीट ले ली हमने, पहले शीट बना लेते हैं, शीट बना लेते हैं। थिक शीट है, थिक थिक मतलब थिक मोटाई, थिक शीट थी। तो सारे चार्ज कहां पे पड़ा है? इस सरफेस पे पड़ा है। ओके, सारे सरफेस पे पड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहां को जा रही है? इधर को तो जा रही है, और कहीं जा रही है? नहीं जा रही। पीछे को जा रही है? नहीं जा रही। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक ही जगह को जा रही है। थिक शीट होने का मतलब क्या है? ये एक ही साइड को सरफेस में आपकी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ये बोर्ड है हमारे, तो चार्ज है इस बोर्ड के इस सरफेस पे, बाहर वाली सरफेस पे। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो बाहर को आ रही है, अंदर को नहीं जा पा रही थिक शीट की वजह से। थिन शीट में क्या होता है? दोनों साइड को जा रही है, इधर को भी आ रही है, उधर को भी जा रही है। ठीक है, चलिए इसका गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो गॉसियन सरफेस ये बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, ये एरिया हो गया ए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां हो गई, और एरिया की डायरेक्शन होगी ऊपर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गई। तो ई ए और ए इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। और इधर कितना था? इधर रहेगा ई और ए। तो वही से चीजें लेटरल सरफेस एरिया की वजह से कितना होगा फ्लक्स? जीरो। इसकी वजह से वही होगा। तो यहां पे कितने सरफेस है? ओनली वन सरफेस। लगा देते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q upon epsilon naught होता है। चलिए अब E की वैल्यू ऐसी रहेगी, ds ds तो ये वाला एरिया है। चलिए cosine surface का एरिया कितना, जो फ्लक्स दे रहा है वो कितना है? A। cosine surface का एरिया कौन सा फ्लक्स दे रहा है? ये तो दे रहा है A हो गया। Q चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू ए थाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल, तो E आ गया यहां से सिग्मा ऑन एप्सिलॉन नॉट। तो थिक शीट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा ऑन एप्सिलॉन नॉट। थिक शीट में ये होती है, थिन शीट में क्या हो जाती है? सिग्मा ऑन टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? समझ आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज स्फेरिकल। अगर हम बात करें स्फेयर के लिए बात करेंगे। अब हमने लीनियर चार्ज के लिए कर दिया, सिलेंडर के लिए बात कर ली, शीट के लिए बात कर ली। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें सॉलिड स्फीयर भी होंगे, हॉलो स्फीयर भी होंगे। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे उसको समझेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। चलिए।